तो गाइस क्या सब सब स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी मैं घर से निकल चुका हूँ, घर पे मुझे लेने आ चुके हैं मिस्टर शाहिद सफरी, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं दोनों ऑफिस, ठीक है, ऑफिस जाके मिलते हैं सारे। आज हम जा रहे हैं शूट पे, शूट की लोकेशन है लाजपत नगर, ठीक है। कौन कौन जा रहा है बता दो भाई। कपड़े लेने सरोजनी में जा रहे हैं। सरोजनी में जा रहे हैं? अरे सरोजनी नगर भी जा रहे हैं भाई, थोड़ी शॉपिंग वगैरह करने, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं लेना है, मुझे कुछ नहीं लेना। अच्छा प्रिंस को लेना है। तो गाइस मेरी शर्ट कैसी लग रही है कमेंट करके बता देना, ओके। तो और कपड़े लेने चलते हैं, दिखाते हैं आपको, लेट्स गो। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ऑफिस और जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, लेट्स गो चलते हैं। जूनू कैसे भाग रहे हैं? जूनू तो आने भाई, मैंने तो भाई जल्दी करो यार, लेट हो रहे हैं, जल्दी आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, साइल बताए, ये फोन चलाते रहते बस, ये सारे काम कर रहे हैं, जल्दी करो शूट के लिए, लेट हो रहे हैं। ओके भाई, ये खाने का टाइम है क्या? शूट का टाइम है भाई। नो ब्रो, पहले खाना चाहिए सब। खा क्या रहे हो? खा क्या रहे हो? पीनट बटर ब्रेड, सब पूरी डाइटिंग पे चल रहे हो फिर भी ऐसे सूखे हुए हो। वी रेडी चले है? क्या बोल रहे? ओके, लेट्स गो। हम निकल चुके हैं फाइनल शूट के लिए, सब रेडी हो चुके हैं, ये भी नीचे निकल रहे हैं, नीचे से मेरे भाई आ चुके हैं, शायद भाई सब ऊपर है, वो सबसे लेट करवाते हैं भाई। तो लेट्स गो चलते हैं नीचे, मेट्रो से जाएंगे हम। ये है शायद भाई, वी आर रेडी फॉर द शूट। हम निकल चुके हैं शूट के लिए, और समीर भाई क्यों नहीं आए भाई? उसको थोड़ा एडिटिंग का वर्क है, एडिटिंग का कोई वर्क है। कमेंट आया है ये पार्ट कटना जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ओके, तो गाइस मेट्रो जाके मिलते हैं, ओके आपसे। पहले हम पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, साल वगैरह गए पर तो भाई एटीएम से पैसे निकालने गए हैं, टिकट खरीदने गए हैं। ओके, थक गया मैं तो मेट्रो में, आज इतनी भीड़ की हो रही है, हैं देख सकते हो कितनी भीड़ है। वैसे रिठाला मेट्रो खाली रहता है, वहाँ से चल रहे हैं यार। हाँ हाँ मुझे पता भाई, तुम वहाँ से क्यों जा रहे हो? तो वहाँ से यार वो है ना, कैन तो तुम बुढ़े हो गए क्या? चढ़ना नहीं पड़ेगा वहाँ से, मेरे पैर दुख रहे हैं। बुढ़ापा आ लिया क्या? लेग्स में पेन है। अरे हैंड तो भाई में आप हुआ, डंडियों में पेन है, बोलो डंडियों में, टांग में पेन है। अडा इनका मैं क्यू आर कोड दे रहा हूँ, उस पर पैसे सेंड करो, इनको बहुत जरूरत है। अच्छा नहीं, मतलब थोड़ी जरूरत है, इन्हें जरूरत है, बहुत परेशानी में गुजर रहे हैं बेचारे, बहुत परेशानी में गुजर रहे हैं। नहीं गुजर रहा नहीं, अभी तो कह रहा था करो, सपोर्ट करो मेरे, तो कह रहा था मैं बहुत परेशान हूँ। अभी देखो ये बारबेक्यू भी हमें लेके गया था, जो उसकी पार्टी थी, बताया ना, जान रहे हो ना,
चलो भाई दिखाते हैं आपको रास्ते पे, बहुत मजा आने वाला है, ब्लॉग में बने रहे और चलते हैं। मेट्रो से उतर चुके हैं, पहुंच चुके हैं एनएसपी, एनएसपी से चेंज करने वाले हैं के लिए लास्ट रुपये करके लिए। ओके बस भाई तुम आज वाली टी शर्ट नहीं पहन के, टीच बटन वाली तो आप जब टी शर्ट लोगे ना वही वही लेना, ठीक है ना भाई। ये बंदा यहाँ बैठा था, लड़की का फोन आते ही वहाँ चला गया, देख सकते हो साहिल भाई, लड़की का फोन आते ही यहाँ से उठ गया, दीवान गया शाहिद की, शाहिद लड़की का है लड़के का पता नहीं शाहिद की दीवान है भाई, फोन कॉल किसका, लड़की का लड़के का है? हाँ भैया का फोन तो अरबी बोलता है, हाँ ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं अगला स्टेशन दुर्गा बाई देशमुख। इनकी शर्ट खोलने में मजा आया ना क्या मजा आया तुझे इनकी शर्ट खोलने में? मजा नहीं है भाई, जो दिखती है ना, जो बेइज्जती होती है ना, लड़कों में इंटरेस्ट है, जो बेइज्जती है जो लड़कों में इंटरेस्ट है, मेरी शर्ट खोलते से मजा आता है। नहीं नहीं तुम्हारा भाई लड़कों में इंटरेस्ट, ठीक है उल्टा पड़ चुका हूँ। बहुत तेज की प्यास लग रही थी इनको, तो हम पानी पीने के लिए रुके, वो पानी लेने गया, बड़े अच्छे यार भाई यार पानी लेने गया मैं, और ये नीचे जा रहे थे लड़की को देख के, कह रहे तुम अरे रहन दो भाई हम पानी की बोतल ले रहे, कह रहे मैं नीचे हूँ आ जाओ भाई, गर्ल्स चिल्ड वाटर यार नॉर्मल हो ना। नहीं नहीं भाई ठीक है, ओ भाई ठीक है ठीक है, ठंडा ठीक है, बहुत ठंडा है भाई, अबे कोई नहीं इंद्रम हो जाएगा नीचे, आ जा गर्म हो जाएगा, मेट्रो में बहुत ज्यादा हीट होती है। अच्छा मेट्रो में तो एसी चलता है ना भाई, मेट्रो में से हीट तो निकलती है, मेट्रो के नीचे रखेंगे बोतल, एसी में से हीट नहीं निकलती, अभी एसी नहीं तेरे तो नीचे थोड़ी रखेंगे बोतल, बंदे आ रही है। सो गाइस बेसिकली ये है कि जिंदगी आसान हो जाए अगर ये रेड लाइट से पिंक लाइन का सफर सही हो जाए, इतना लंबा चलना पड़ता है तो मैं चल चल लेके तो वैसे ही थक चुका हूँ, और प्रिंस वैसे कहता है इसे चलना पसंद नहीं है, मैंने इसको कहा, मैंने कहा गोदी में बिठा लेता हूँ तुझे या पद्दी ले लेता हूँ तुझे, और ये माना नहीं भाई, गर्मी में भाई गर्मी लगती है, ये आशिक में टूटा हुआ है भाई, कुछ नहीं बोलता, क्या होता आशिक में टूटा हुआ बंदा है, आशिक में टूटा हुआ, आशिक में बंदा टूटा कैसे होता है, आशिक में भाई, अच्छा आशिक में चूर हो गया 16 साल का, हां भाई क्या शुरू करो यार थोड़ा। अच्छा लोग पूछ रहे थे कि शाहिद के दिल के कोई करीब है या नहीं है, ये तो बता दो, करीब कोई नहीं, लोंडो करीब मतलब फैमिली, लोंडो करीब जाता है फैमिली, फैमिली नहीं कोई पर्सनल वाली करीब है, फैमिली मेंबर्स हो गया जैसे कि, अबे ये सब इंटरेस्ट नहीं है लोगों को जो लोग पूछना चाह जानना चाह रहे वो बता, नो कमेंट्स। तो तू सिंगल है या किसी के साथ कमिटेड है? मैं क्यों बताऊं भाई, हैं क्यों बताऊं यार, ये बताना पड़ेगा, बता दूं क्या कह रहा है, देखो ऐसी देखो हम कुछ नहीं कह सकते, शायद अगर खुद कुछ नहीं कहना चाहता तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते तो भाई, और आप प्रिंस भाई? मैं भाई ये कमिटेड है, चार लड़कों से कमिटेड है नाम बताऊं पागल हो क्या, चार लड़के वो कौन है मैं तो आपको बता दूं, चार लड़के कौन है मैं बता दूं, शाहिद साहिल समीर और सऊद, पांच है फरदीन, ये हम पांचों से हम पांचों भाइयों से कमिटेड है, इसे हम कहीं जाने नहीं देते क्योंकि हम नहीं चाहते इसका दिल टूटे कहीं जाके, तो भाई कोई गर्ल भाई मैं भी बोलूंगा यार कोई गर्ल से, और जो सबसे भाई कोई गर्ल से तो कमेंट जरूर करना, और मेरा आउटफिट भाई मेरे को कोई गर्ल्स कमेंट जरूर करना, ये आउटफिट देखो आउटपुट कह रहा है, आउटफिटिंग आउटपुट देखो लो गाइस, इसका आउटपुट देखो आज तो उतर रही है प्रिंस भाई, आज तो तुम्हारी बाजी तुम पे भारी पड़ रही है, मैंने प्रिंस को चैलेंज दिया है, पांच मारने पांच, अगर पांच नहीं मार पाया ना तो बेइज्जती है, देखा बस हवा निकल गई, ये भी पूरे थोड़ी मारे हैं, मारे हैं कुछ भी कहीं भी मार ले तो पूरा मार के दिखा दे, बता तेरी उसकी
वेदर चेक हो रहा है, कितना मस्त मौसम हो रहा है, आपको दिखाता हूँ। और जब भी हम साउथ दिल्ली साइड जाते हैं तो मौसम ओवरऑल बहुत अच्छा रहता है, मज़ा आता है। जब हम लास्ट में नगर या जल्दी जाते हैं मज़ा आता है, ऐसा सब जगह मज़ा आता है, बट मज़ा आता है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। जी तो गाइस हम निकल चुके हैं मेट्रो से बाहर और पहुंच चुके हैं लाजपत नगर। तू देख नहीं भाई लोंडिया से इतनी देर तक बात करें तो ही नहीं ना। साहिल भाई देख फिर बोला, साहिल भाई क्यों फिर बोला, बोलो बोलो भाई बोलो बोलो पूरा गंदा कर दो बोलो। तो गाइस अभी स्टेज पे चलते हैं, यहाँ भीड़ है, थोड़ा ब्लॉग बंद कर दे, निकालो निकालो आओ। हम पहुंच चुके लाजपत नगर, अब जा रहे हैं मार्केट की ओर, पिज्जा हमने ऑर्डर कर दिया है फोन पे ही, चलते हैं पिज्जा लेंगे फिर शूट करेंगे फटाफट, आपको बिहाइंड द सीन दिखाएंगे पूरा। भाई तो गाना ही गाते रहते हैं, तो प्लीज इनको इंडियन आइडल में बुलाया जाए, ठीक है, और इनको 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 भाई इनको कहीं नहीं बुलाया जाए। बैकग्राउंड में गाना चलता रहेगा, तेरे बैकग्राउंड में तेरे वीडियो के शूज शूज गाइस चेक इट, चेक माय शूज। हाँ भाई, भाई ने जो है शूज ले लिए क्योंकि हमारे वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि भाई एक जूते कितनी बार पहनेगा, मैं तुम्हें QR कोड भेज रहा हूँ, ले ले भाई जूते ले ले। तो साहिल भाई गए उसी दिन और ये मैंने जूते लेके आया है। बट आपको एक चीज़ बताऊँ, गाइस पता मेरे साथ धोखा इतना बड़ा हुआ, उसने कहा QR कोड दे, मैंने QR कोड दिया पर पैसे नहीं आए। अबे आगे होंगे भाई ब्लॉग में, बताओगे तुम जब भी, तो पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए, कर्जों पर उठा के लेकर आया हूँ मैं, कर्जों पे क्रेडिट कार्ड पे भाई, क्रेडिट कार्ड 400 रुपए के जूते हैं ये, 400 रुपए के जूते हैं भाई, तो गंदी कर दी देखो साहिल भाई 400 रुपए के यार, बंदा डाउन टू अर्थ है ये, हमेशा सस्ते में रहता है। देखो देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा नेचर बिल्कुल सिंपल है, मुझे कपड़ों और सब पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, और ना मेरा मन करता तो मैं वही कपड़े पहनता रहता हूँ। एक आउटफिट आपको कम से कम 50 वीडियो में दिख जाएगा। ये गाइस ध्यान मत देना, मजबूरी है ये पकड़ भाई, ये इतने ब्लॉग बना सकते भाई, थक गए। देखो भाई मजबूरी सिर्फ इतनी सी है कि भाई पैसा कम है और मेहनत बहुत ज़्यादा चल रही है, तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, ताकि व्यूज़ आए तो थोड़ा बहुत पैसा है, ताकि मेरे पास पैसा है और मैं कपड़े खरीद सकूँ, ताकि आप लोग कमेंट करना बंद कर दो कि भाई एक ही कपड़े हैं क्या यार, बुरा लगता है यार, QR भेजने के बाद भी अगले ने पैसे नहीं भेजे, इस ज़्यादा भेजी थी मेरी और क्या होगी यार, मैं नहीं सह सकता। ये देखियो बारिश आने लग रही है, QR भेजने के बाद पैसे नहीं भेजे, QR कोड मेरे लिए भेजना, मैं भी डाल दूंगा तेरे लिए भी, नहीं मुझे बस सपोर्ट करो, ये तो राठौर साहब है ना जो कि बोलेंगे QR कोड चाहिए, इसे बस सपोर्ट करो, इसे बस सपोर्ट करो, इसे कुछ नहीं चाहिए भाई, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है हल्की फुल्की, बट कोई बात नहीं, बारिश हमारे पता क्या नहीं सपोर्ट, अब बोलने तो दे मुझे कुछ भाई, बोलो अब मुझे तो कुछ बोलने दे ब्लॉग में, नहीं तो गाइस मिलते हैं छोड़, हां बारिश आ रही है पर बारिश हमारे हौसले नहीं रोक सकती क्योंकि हमारे हौसले बहुत हाई है, हौसले हमारे आसमानों पर है, तो बारिश हमें नहीं रोक सकती वीडियो बनाने से, चाहे भीग की वीडियो बनानी पड़े पर हम बनाएंगे। भाई बताओ मैं क्यों नहीं बोल सकता, तुझे कुछ बोलना है ना तो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर, अपना चैनल स्टार्ट कर, दूसरों के टुकड़ों पे पलना छोड़ दे, दूसरों के टुकड़ों पे पलना छोड़ दे, मैं ब्लॉग करूंगा, इन्हें स्टार्ट नहीं कर रहा, सारे ब्लॉग ही करेंगे या फिर और कुछ कर दो। और क्या करेगा तू, ऐसा क्या करना चाहता है रखेंगे भाई यार, बंदा स्टार्ट ही नहीं कर रहा, कल भी बोला ऐसे, परसों भी बोल रहा भाई ब्लॉग कर ले, बुला ले, बना ले, बिहाइंड द सीन शूट कर ले, कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, बोला यार इसको कमेंट वमेंट करो ताकि इसके अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन आए, लोग बोलते हैं शायद वी लव यू, शायद वी लव यू, और शायद लव यू की हालत देखो, ये ब्लॉग बनाने में ब्लॉग बनाओ,
तो लगा फिलहाल मार्केट की तरफ पहुंचते हैं और उसके बाद पिज्जा लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं लाजपत नगर के मार्केट में, ठीक है, बीच मार्केट में। कोई शर्माना नहीं है, अभी साहिल भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर मोटिवेट करा है, ठीक है, जो बैक कैमरे से बनाता हूँ। क्या बोला है बता दे, तो ये बोला है ना ब्लॉग में तूने मना कर रखा है। नहीं, ये बोला है कि क्या कहते हैं, जो भी है बनाओ, सब जो देख रहा है हंस रहा है, कोई बात नहीं, कौन है, कोई जानता नहीं हमें, कोई डरने नहीं है भाई, कोई शर्माना नहीं है, ओनली फॉर ब्लॉग बनाओ, जो जनता को दिखाना है दिखाओ, ओके, जो जनता को दिखाना है। चल भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू प्रिंस दैट यू आर मेकिंग ब्लॉग। हां, थैंक यू ब्रो, आई रियली अप्रिशिएट यू, गॉड ब्लेस यू। पिज्जा पिज्जा कहाँ गया? पिज्जा चार रेडी हो चुके हैं, अच्छा, दो रह रहे हैं, अच्छा, तो फटाफट से छह रेडी हो जाएंगे तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चारों तरफ कंटेंट सॉफ्टी ले आओ, आज क्राउड काफी अच्छा है, मजा आएगा शूट करने में। सॉफ्टी ले आओ, सॉफ्टी ट्रॉफी, सॉफ्टी सॉफ्टी खाएगा, सॉफ्टी नहीं खाता यार, क्यों पर पता है मैं शुगर कट पे चल रहा हूं। खिलाने को बोलिए, मैं खाता नहीं खिलाता, मेरा सिंपल है यार, देखो मैं शुगर खाता नहीं और शुगर खिलाता नहीं, सब बकवास चीज है गाइस, आपको भी अवॉइड करना चाहिए जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब कुछ नहीं रखा भाई। बारबेक्यू नेशन में तो दवाई खा रहे थे भाई, बारबेक्यू नेशन में मैंने मीठा नहीं खाया भी, ना मैंने कुछ कुछ खाया। बाहर का अवॉइड करें, बकचोदी कौन पेल रहा जो इतने तरह खान रखता है बाहर का। रखने में और खाने में बहुत डिफरेंस होता है, मैं वो खाना खाता नहीं, ना मैं खाता ना मैं खिलाता, कहा होता है ये, कहा होता है भाई, ये खाते भी खिलाते भी, ठीक है गाइस। क्या बात है, बिल्कुल सही बताया, कांग्रेचुलेशन, आप जीते चीज पिज्जा, तो यहाँ पे चल रही है शूटिंग, पकड़ लिया बिल्कुल बिल्कुल वही है, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आप जीतो एक चीज पिज्जा, तो मैम नेक्स्ट पिज्जा अगर गलत हो आपको बताना है ऑर्डर में, हाथ दो तरह के, फाइव फोर ग्यारह के साथ, थ्री टू वन, फाइव फोर गाइस वीडियो हो चुकी थी, कम बच्चे हैं उनको पिज्जा बांटने जा रहे हैं, वो बच्चे पीछे पड़े हुए थे, ठीक है, तो इनको पिज्जा दिला देते हैं फिर चलते हैं सरोजनी नगर, ओके। अभी क्या ले रहे हो? सॉफ्टी ले रहा हूँ भाई। ओहो भाई, तो गाइस हम ले रहे हैं सॉफ्टी, भूख लग रही है। पेमेंट कर दी? नहीं अभी नहीं करी। क्या हुआ आपके साथ? सुगंधा भी न्यूज चैनल में आया था, आप देखना, जागरूक जनता। हो गए पेमेंट हो गई, अरे पेमेंट हो चुके, अब हम जा रहे हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है, पेमेंट हो चुका है, 5000 रुपये कर दिए, 5000 की पेमेंट हो चुकी है, सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं। कौन सी लिया भाई? बिल दिखाओ, बिल दिखाओ यार, काम कर जल्दी लो भैया, इसको भी दे दो यार, बहुत देर हो गई बेचारे को, इसकी शक्ल देखो। अरे ये रहना, यहाँ पे दे देंगे ना, ये भी तो मशीन ही है, ये देखो कैसे निकलेगी, है? ओए 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 आगे तू दिखा, क्या ले लिया, पकड़ी से चल, एक और है भाई, मैं लेके आऊंगा तो ला, गाइस स्नैप बना लो, ओके बना दे, जी। तो गाइस हम निकल चुके हैं लाजपत नगर से सरोजनी के लिए, तो हमने सॉफ्टी खा लिया और इन्हें अभी तक नहीं खाए, बच्चों की तरह खाते हैं, और शायद साहिल भाई ने ले लिया अनानास, क्योंकि हेल्थ अनानास है, क्या है, हां वो तो क्या अनानास है, अनानास है भाई, मेरे को तो डाउट था, थोड़ी शॉपिंग वगैरह करेंगे, ठीक है, कपड़े वगैरह लेंगे, चलेगा, कपड़े
शर्ट लूंगा यार, सरोज ही सही रखता मुझे सस्ते कपड़ों के हिसाब से। जूतों के लिए करोड़ बाग इससे बढ़िया है। कभी जूते लेने आओ तो करोड़ बाग जाना, कपड़े लेने आओ सरोज। शूट कैसा हुआ तो बता। शूट एकदम बढ़िया हुआ, लास्ट टाइम पे इतनी भीड़ लग गई थी ना, इतनी भीड़, सब्सक्राइबर भी आ गए थे थोड़े और थोड़े मांगने वाले होते हैं ना वो पीछे लगे। गाइस मैंने एक बात सीखी थी, क्रिएटर वही है जो अपने आसपास भीड़ लगा दे, और हम ऐसे ही चलते हैं, हमारा मन यही करता है। जैसे शाहिद होता है साइड में, हम होते हैं, हमारी टीम पूरा ऐसा खेल लेता हम कि आसपास माहौल बना दें तब मज़ा आ जाए। और अगर मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, जो भी नए लोग देख रहे हैं, जो भी नए लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर यूट्यूब पर आना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, भाई शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कोई तुम्हें खाने को नहीं दे रहा, कोई तुम्हें पीने को, तुम अपना काम कर रहे हो भाई। कैमरे से हमेशा फ्रेंडली रहो, फ्रेंडली रहो। ये बात मुझे अभी समझाई है, मैंने इसको भी समझाई कि भाई कैमरे से ये लोग एक बार हंसेंगे उनको कोई मतलब नहीं है, वो हंस के चल देंगे, पर ये आपका काम है। आप अगर इस तरीके से सोचोगे ना कि मेरे को काम करना है, तो गाइस रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैमरे पर अलग ही दिखेगा। सही बात है, जो बराबरी नहीं कर सकता वो बदनामी शुरू कर। इन्होंने आइसक्रीम खाई, मैंने अपने अनानास ले लिए, फिर भी इसमें दिखा रहा। मैंने खुद बना कर अभी इसने बोला सही बात है, तो उसका व्लॉगिंग कब चालू हो रही है? कब चालू हो रही है व्लॉगिंग? मैं व्लॉग नहीं कर रहा भाई, मैं व्लॉग नहीं कर रहा। तो क्या करोगे बताओ भाई? ये कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? तो आपको तो कमेंट सिर्फ मेरे लिए, शायद भाई के लिए करा करो, शायद भाई के लिए मत करा करो। कि ब्लॉग कब बनाएंगे? वो ब्लॉग नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन कुछ अलग करा करो। ओके गाइस, हम पहुंच चुके हैं सरोजिनी नगर, ठीक है? और ये पैसे वैसे दे रहे हैं ऑटो वाले को। तो सरोजिनी नगर मार्केट पहुंच चुके हैं, और वो भी सामने मार्केट, ठीक है? अभी चलते अंदर दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये रहा एंट्री सरोजिनी नगर के मार्केट की, ठीक है? तो इसलिए हमारे टीम सारी रेडी हो चुकी है। ओ माय गॉड, वी आर इन सरोजिनी नगर मार्केट, तो लेट्स गो टू शॉपिंग। सस्ते का अड्डा सरोजिनी नगर, अगर सस्ते में कपड़े लेने तो सरोजिनी आओ। अच्छा, इसलिए हम आ चुके हैं, इसलिए हम हमारे जैसे हैं। अगर आप हमारे जैसे हो तो बहुत ही चुन चुन के पैसे खर्च करते हैं, तो आपके लिए तो ये जगह जन्नत है, जन्नत है, जन्नत। लेट्स गो, चलते हैं गाइस, चलते हैं, देखते क्या लेंगे। भाई मैं लास्ट टाइम आया था, मैंने 1500 रुपए में पता नहीं 3 से 4 जोड़ी चीज़ें ले ली थी, कितनी तो शर्टें हो गई थी, कितने तो कुछ हो गया था, और भाई मज़ा बहुत था उस टाइम मुझे लेके। सामान ले लिया था और वो अभी तक चल रहा है, मतलब मैंने कंटिन्यूसली चेंज कर करके पहना भाई। भीड़ के तो यार क्या कहूँ, भीड़ तो ऑलमोस्ट हमेशा रहती है, इतनी भी जो कर लो भाई, कितना भी टाइम आ जाओ एंड भीड़ तो हर वक्त ही मिल रही है। हाँ भाई, क्या कहना चाहोगे भीड़ के लिए? मैं कह रहा हूँ भीड़ यहाँ अच्छे बाहर होती है। अच्छे बाहर? अच्छे बाहर क्या होती है? चाहे किसी भी दिन आ जाओ, ये है आज ट्यूसडे, आज वेडनेसडे ना, वेडनेसडे के दिन का ये हाल है गाइस। तो अगर आप वेडनेसडे पे आ रहे हो तो इतना बुरा हाल है, तो संडे पे तो क्या ही होता होगा। वैसे तो मैं आया नहीं हूँ ना, मैं आता संडे वनडे वाले दिन, नॉर्मल डे में आ जाओ, कपड़े उठाओ और चलो। शायद कुछ बोलना चाहोगे? दानिश भाई जिंदा होते ना अभी किसी का नाम नहीं होता, हमारा भी नहीं होता। गाइस अभी हम टी शर्ट देख रहे हैं, ब्रांडेड टी शर्ट है ये। अभी दुकान पे जाओगे 200 रुपए की, और दुकान पे जाओगे 200 रुपए में ये शर्ट मिल रही है। इसको मैं इतना रगड़ सकता हूँ ना कि मैं कितने दिन चला सकता हूँ। भाई ये तुमने पिछली बार भी ली थी। कहाँ ली थी यार, तुम बताना, एक ही कपड़े की आई है। अब ट्राई करके देख रहे हैं, यही ट्राई करोगे? क्या करे, क्या करे? ट्राई करूंगा, अच्छी लगी तो ऐसी शौक पूरे कर लो। ये लो अच्छी है, बट ये चलो भाई, एक टी शर्ट तो आई बढ़िया सी, इसी की साइज है, अंदर वाले जो पहन रखे ना उसी की साइज है। हाँ बढ़िया है। कैसी लग रही है भाई, कमेंट करके जरूर बताना। तू बता दे, बढ़िया है। मैं कमेंट खरीद लूं, फिर मैं करने कमेंट का वेट करूं। ये साइज भाई पे अच्छी लगेगी। क्या ये भाई, ये दिस वन, दिस चल रही है ना, बहुत ज्यादा
लेकिन बड़ा कपड़ा वैसा है इसका, बहुत थोड़ी सी गर्मी होगी तो थोड़ी अच्छी भाई। मैंने भी तो यही पहना कि देखो कपड़ा इसका यही ऐसे ही है। आ चुके हैं एटीएम पे पैसे निकलवाने के लिए, इजराइल भाई पैसे निकाल रहे हैं क्योंकि आज हम करेंगे शॉपिंग। शॉपिंग कर ली क्या लिया तुमने? टी शर्ट ली है और मैं भी अपने टी शर्ट लूंगा। ठीक है, तुमने क्या लिया शर्ट? बस ऐसी ले ली है, दिखाओ ना खोल के दिखाओ। खोल के क्या है? सरोजनी के कपड़े ने पहना, पैंट भी सरोजनी के, जूते भी सरोजनी के, और ये जो शर्ट है वो अबे रहने तो पिछली बार ये लेके गए हो। सब सरोजनी का पहनते हैं, ठीक है, खुद को ब्रांडेड समझते हैं। ब्रांडेड होते हैं, बोलो सरोजनी के कपड़े पहनता हूँ बस। खुश खुश खुश, आई एम वेरी हैप्पी। खुश तो ऐसा क्या है, ऐसे कहना जैसे सब खरीद लेंगे। ज़्यादा फालतू बोलेगा, मैं ब्लॉग मत बोलो मेरे। बोलो भाई बोलो, कुछ कटेगा कुछ नहीं, बोलो क्यों भाई साहिल भाई, है ना भाई? भाई शॉपिंग करना है, क्या बोल रहे हैं? हेलो ले लो ना। क्या बस लो, आओ आओ ये टाइम पास कर रहे हैं भाई। पता नहीं भाई जिम जाना हमें, हमें और क्या यार जिम जाना है यार, अब हम मोटिवेट है भाई जिम के लिए। चलो यार चलते लो, अभी देखने लग गए तुम हटे तो ये चलो। अरे तेरे लिए अच्छी रहेगी, ठीक है? नहीं साइज छोटा है, साइज छोटा है। बड़ा साइज ले ले फिर। कितने कितने कितने? मैं छोटा साइज पसंद है, कितने इंच का चाहिए? छोटा साइज पसंद है मुझे। क्यूटी भाई बल्लू इज हियर, बल्लू इज हियर ये चुम्मी उम्मी मत करा करो। चलो 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 आओ भाई, कपड़े नहीं कुछ शर्टें नहीं है, जींस लिए उसको फटवा रहा हूँ। हरदीन भाई इतना घूम रहे हैं हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो यार चलो, ये गर्मी भी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यार। नहीं भाई नहीं, नीचे नीचे पहनोगे? क्या क्या पहनने की बात हो रही है भाई? चूड़ियाँ सोफे कह रहे हैं ये ले लो, मगर पहनोगे यार? वो तो पहन रखे होगे ना तुमने, इनकी मिलते नहीं सिलवाते हैं भाई साहब। ब्रानी ब्लाउज कहाँ गए साहिल भाई? भाई मैं आ गया हूँ टी शर्ट लेने, ठीक है, कॉलर वाली यहाँ है नहीं, है नहीं यार। टी शर्ट है कॉलर वाली? मैं आ गया हूँ, क्या मतलब? मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, नहीं यार कुछ नहीं, तो लाइन वाली नहीं चाहिए, लाइन वाली नहीं चाहिए। साउथ भाई भी ब्लॉग बना रहे हैं फुल, शायद भाई बस तुम ही रह गए हो ब्लॉगिंग के लिए भाई, तुम ही रह गए हो ब्लॉगिंग के लिए भाई। सारा सामान हिला रहे लेकिन तेरे को नीचे के बना भाई साहब। एक मिनट में रोड खाली हो गया सारा, एक मिनट में रोड खाली, ये सारे पटरी पे लगा देते हैं ना तो चलने की वो जल्दी जगह, इसलिए MCD वाले आ जाते हैं इनका सामान उठाने के लिए, तो जल्दी जल्दी सामान उठा रहे हैं। जैसे कि उठा लिया और फिर लगा लेंगे हम। देखो रोड बिल्कुल खाली हो चुका है, देख सकते हो। पीछे पड़ गए 160। खुद ही पीछे पीछे आ रहे, मैं तो कह रहा हूँ भाई मैं इससे कम, मैं इससे ज्यादा लूंगा। चलो खींचो, आओ मैं हम भी फोटो खिंचवा लेते हैं। इस सब्सक्राइबर के साथ फोटो खिंचवा ली है, अब चल रहे हैं दोबारा शॉपिंग करने। मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है, बिछाने तो पड़ेगी। तो गाइस अभी लिया है साउथ भाई ने लिया है एक परफ्यूम, दिखाना कौन सा परफ्यूम है। नाइस फ्रेग्रेंस भी अच्छी है, नहीं नहीं है लो भाई दिखाओ। आप देख सकते हैं काफी सारे कपड़े लिए हैं मैंने भी, प्रिंस ने भी और शाहिद ने भी। तो गाइस सबसे बढ़िया ये रहता है, चीप है और सस्ता भी है, 250-250 रुपए में काफी सारा सामान ले लिया जो आपको आगे देखने को मिलेगा शूट पे।
जब हम शूट पे जाएंगे तो हम यही कपड़े पहन के जाएंगे। कुछ शर्टें तो इतनी प्यारी हैं 250-250 रुपए में कि मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर मैं अपने उधर ले जाके बेच भी दूँ ना तो भी भाई 300-400 में आराम से बिक जाएगी, प्रॉफिट ही है। सॉरी भैया, सॉरी सॉरी भाई, मार्केट में बहुत भीड़ है, कुछ कर नहीं सकते। तो भाई फिलहाल अब जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन में। और कैसा रहा भाई? मैंने कहा था तू देख ही नहीं रहा, तू यूं चल रहा है भाई। जो बात है मैंने काफी कपड़े लिए आपकी बार, ये देख सकते हो उसमें शॉर्ट्स वगैरह बहुत सारी चीजें ली है, मतलब दिया मैंने, सारा स्टॉक भर रखा है। अब कुछ टाइम तक कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर जब पड़ेगी तब दोबारा जाएंगे सरोजनी। क्या दिक्कत है क्यों भाई? अगर हम फिर जब जरूरत पड़ेगी फिर आ जाऊंगा सरोजनी, अगले हफ्ते फिर आ जाएंगे। हाँ अगले हफ्ते तो नहीं यार, इतना भी नहीं है। क्यों भाई सही लगा? इसके बेचारे के बेचा हालत खराब ही रहती है। चलो भाई चलते आगे, फिर मिलते हैं। तो जी तो हम पहुंच चुके हैं अब ऑफिस, और तो इस ब्लॉग को करते हैं पर ही एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया, ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।